आज हम बात करने वाले हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि रिसेंटली उड़ीसा हाई कोर्ट पहला कोर्ट बना है जिसने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया परफॉर्मेंस एंड वर्किंग को लेके ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर इंश्योरिंग जुडिशल अकाउंटेबिलिटी पर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होता गया है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कुछ सेट ऑफ मैकेनिज़म्स हैं जिसकी जिसके थ्रू हम चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं ओवर द जुडिशरी बिकॉज हमको पता है कि हमारा पार्लियामेंट पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी तरह हमारा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है लेकिन आफ्टर द थर्ड एंड द फोर्थ जजेस केस वी हैव सीन दैट जुडिशरी हैज़ बिकम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी वर्ट्सो आवर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आज के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं टूवर्ड्स द जुडिशरी एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी सो so उन्हीं को हम देखते हैं उनमें से सबसे प्रोमिनेंट वन जो आजकल न्यूज़ में रहा है रिसेंटली एंड दैट इज़ द कोलिजियम सिस्टम इंडिया का अकेला इकलौता जुडिशल सिस्टम है पूरी दुनिया में जो जिसमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं और जिसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है इसमें कई बार एलेच किया जाता है दैट इट लीड्स टू द नेपोटिज्म और यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की रीजनिंग नहीं दी जाती है कि किसी का अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है नेक्स्ट इज़ द कंडक्ट ऑफ द जजेस हमने देखा है कि बहुत बार केसेस में रहा है दैट इट इज़ एलेच that the judges are involving themselves in corruption and also there had been cases where the after retirement they are taking lucrative jobs from the central and the state government next agar hum baat karte hain to in house functioning pe bhi kafi zyada charcha mein raha hai that the judicial cases जो आपके दिए जाते हैं allot किए जाते हैं उसमें भी कोई transparency नहीं है completely opaque process रहा है पता नहीं चलता है क्यों किसी judges को किस type का case allot किया जा रहा है और उस पर कोई भी रीजनिंग और उसके बाद उसमें इंक्वायरी नहीं हो सकती है अनदर इशू इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन ए सीमेट्री जो कि पहली वाली बात है कि ओपेसिटी है सो यू कैन नॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन लाइक आर टी आई इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द जुडिशरी जुडिशरी ने खुद को अपने आर टी आई से बाहर रखा हुआ है एंड लास्ट जो हम अभी बात करेंगे दैट इज़ जुडिशियल ओवर रिच वट इज़ जुडिशियल ओवर रिच तो हम देख रहे हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एंड इवन द हाई कोर्ट्स हैव बिकन वेरी प्रो एक्टिव एंड दे आर टेकिंग पार्ट इन डे टू डे लाइफ इशूज ऑल्सो लाइक वी सॉ इन द डेली केस दैट रिगार्डिंग द पोल्यूशन एंड रिगार्डिंग फायर क्रैकर्स दे आर गिविंग आउट गाइडलाइंस विच इज़ अ वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का काम अगर जुडिशरी में करेगी सो so यहाँ पर एक ओवर रीच होती है जुडिशरी की तरफ से हम बोल सकते हैं कि वो अपने फील्ड से बाहर निकल के वर्किंग कर रहे हैं और जो कि सही नहीं होता है बिकॉज In our constitution, we have designated a separate function for separate parts. That is executive legislature and the judiciary. Next, we when we talk about is the all of these problem combined somehow have led to this problem of pendency. Because accountability is not there, inquire. Nahi kar sakte ho, so it will leads to some kind of pendency issues and we can say the mismanagement issues. So that is also there. बट कुछ स्टेप्स जो हम फ्यूचर में ले सकते हैं जिसकी हम बात करते हैं फ्यूचर परस्पेक्टिव क्या हो सकता है या फिर अभी क्या हो रहा है इम्प्रूवमेंट सो उनमें से पहली चीज़ जो हम बोलते हैं दैट इज़ इन हाउस प्रोसीजर जो भी अगर हम इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी कोर्ट के और किसी पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट में वर्किंग में मिसकंडक्ट एंड मिस बिहेवियर में तो वो करा जा सकता है बट उसके लिए ड्यू परमिशन चाहिए होती है सी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 में इसमें एक डिस्कशन लाया गया था दैट इज़ फॉर द सेटिंग अप ऑफ परमानेंट सेक्रेटरी आर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट मीन एक सेक्रेटरी आर्ट को सेटअप किया जाएगा और जो कि ध्यान रखेगा जो कि ओवर करेगा द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट नेक्स्ट अभी हमारे पास रिसेंटली रहा है जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो आया है अभी अंडर कंसिड्रेशन है इसमें बात की गई है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट इन द प्रोमिनेंस वी कैन से कि जितने भी जजेस हैं जिनकी भी अपॉइंटमेंट होती है इन्हें ड्यू टाइम में अपने सारे के सारे एसेट्स की डिक्लेरेशन करनी है और उसको अपडेट भी करते रहना है टाइम पीरियड्स में नेक्स्ट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हमने देखा है पैंडमिक टाइम पे एंड इवन द पोस्ट कॉन्डेमिक दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन इंक्रीज बी इट द नंबर ऑफ एप्स डैट हैव ऑल्सो इंक्रीज रिलेटिंग टू द जुडिशरी देर इज़ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ दी हियरिंगस एंड ऑल्सो हमने देखा है ई कोर्ट्स जैसे लगे थे पहले और हमारे जो सी जी आई है उन्होंने भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देने की बात कही है कि फ्यूचर में हम ई सर्विसेज ई गवर्नेस की तरफ बहुत ही जल्दी मूव करेंगे और फास्ट पेस पर मूव करना चाहेंगे सो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे लेक्यूनार्ज हमारे जुडिशरी में हैं फिलहाल के लिए But still, there is need for change and when the CJI themselves accept these faults and they are trying to do their best, but they say that the reforms will come from within the judiciary, not from the executive. So, we will see future mein kya hota hai, and that's all.